माइनस से आगे निकल जाऊंगा टॉप एंड में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो यहां पे खड़ी है R15M और यहां पे खड़ी है NS200। भाई कैसी है गाड़ी दोनों, एक फेयर्ड एक निकेड है। ये 200 cc है, 150 cc है भाई। तो यहाँ पे अंतर सीसी का भी है, पावर का भी है। पावर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पावर जो मिल रही है वो मिली 18 PS एंड 40 Nm टॉर्क। यहाँ पे आपको 24.5 PS एंड 18.7 Nm का टॉर्क देखने को मिल रहा है। 18 Nm का टॉर्क है भाई, 18 PS की पावर इसमें। तो इन दोनों में क्या होने वाला रिजल्ट आपको दिखाएंगे। कार्बन एडिशन है, नया वर्जन। प्राइस भाई 2,55,000, सुन के हैरान हो गए ना भाई, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो चुकी है। इसकी जो प्राइसिंग है वो अंडर 2 लाख आपको देखने को मिल जाती है ऑन रोड। यहाँ पे अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, इसमें भी मिलते हैं, KYB मिलते हैं, इसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। फिलहाल दोनों गाड़ी बढ़िया है, देखते क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। हमारे साथ में राम भाई। राम भाई का जो वेट है वो है भाई 85 kg, मेरा 90 kg, 5 kg का अंतर है। देखते क्या रिजल्ट होते हैं, पता चल जाएगा आगे चल करके। मिलते सीधे ड्रैग में। तो भाई मैं चलाने जा रहा हूँ NS200, राम भाई चला रहे हैं R15M कार्बन एडिशन, जिसमें कार्बन एडिशन सिर्फ नाम है, कार्बन का एक भी चीज नहीं लगी हुई है स्टीकर के अलावा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिकअप में तो ये है क्योंकि यहाँ पे आपको NM टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है। अभी तक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है इनिशियल में, आगे देखते हैं। अरे पागल में है भाई, ये क्या है। आगे निकल गए R15M। देखो फेयरिंग का बेनिफिट तो मिलता है। R15 तगड़ी है भाई। बहुत ज्यादा एरर है इसमें, नो डाउट फेयरिंग का बेनिफिट मिलता है। देखते हैं क्या होता है, कोशिश पूरी है मेरी, लेकिन इसमें इतना ज्यादा एरर है ना। बट कितनी देर मिलेगा ये देखने वाली बात है, कितनी देर मिलेगा बेनिफिट। थोड़ा सा शॉर्ट रूट लिया मैंने, में हूं मैं, R15 जस्ट बगल में है। 149 से 148 हो गया, विंड बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को। बताना जरूरी है, देखो अगर विंड प्रेशर नहीं होगा तो मैं NS से आगे निकल जाऊंगा 100% है, और अगर मुझे स्लिप स्ट्रीमिंग मिल जाती है तो मैं NS से आगे निकल जाऊंगा टॉप एंड में। रोक लेना चाहिए क्या, रोक लेता हूँ। कहाँ है, उधर है, जैसे अभी निकल रहा हूँ। भाई यार यहाँ पे ना पता नहीं चलता है राइडर पीछे वाला कहाँ है। एक ऐसा हेलमेट लेना पड़ेगा जिसमें हमको पीछे का भी स्क्रीन दिखती रहे। तो यहाँ पे रिजल्ट एकदम हेड टू हेड है, लेकिन R15 निकल जाएगी टॉप एंड में, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी अभी हम लोग को ट्रैफिक ज़्यादा मिल गया तो थोड़ा ज़िगज़ैग हो गया। अब इनको दे देते हैं हम NS और अपन चलाते हैं, ठीक है। तो वेट 5 kg कम है तो एडवांटेज मिल जाएगा फिलहाल, देखते हैं क्या होते हैं रिजल्ट। उससे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल हम कर देंगे ऑफ। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया है, बहुत इजी कर दिया है पहले के मुकाबले अब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना, ठीक है। हम इसको ऑन करके रखेंगे, नहीं।
लैप बना पाऊंगा। पूरी उम्मीद है मुझे और वो उस उम्मीद पे मैं कायम उतरा हूँ। एक बेनिफिट ये भी है ना कि भाई NS मेरे पास है, पर्सनली मैं राइड करता हूँ, NS 200 मेरे पास है खुद के पास और काफ़ी राइड कर रखी है मैंने, 400 राइड कर रहा हूँ, तो इस बाइक के साथ थोड़ा सा मैं फैमिलियर ज़्यादा हूँ, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट मुझे मिल जाता है। फायदा है इस गाड़ी में पेड़ का और इसमें एरर कम है। बाकी सिक्स गियर पे हूँ, यहाँ पे R15 आगे निकलना शुरू हो चुकी है और नेकेड बाइक में थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलता है टॉप एंड पे। एज कम्पेयर टू NS 200 एरर बहुत कम देखने को मिलता है और इस समय देख सकते हो आप कितनी तगड़ी भाग रही है ये फुल फेड बाइक और मैं बहुत आगे हूँ, क्या हूँ पता नहीं कुछ भी। देखो फिर लिमिटर आया, कॉर्नरिंग का जो टाइम था यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ रोड और मेरे ख्याल से जो इनिशियल है मतलब जो टॉप एंड है वो R15M की बढ़ गई 146, 145, अमेजिंग R15 बट स्टिल ओवर प्राइस बाइक है भाई। और यहाँ पे NS जो है वो सिग्निफिकेंट पीछे है, अब हो गई है, पहले इतनी ओवर प्राइस नहीं थी अब हो गई है। क्या कहना है आप लोग का इस बारे में, आप लोग की राय जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मैं लाइव नहीं आ पाया था थर्सडे को, तो फ्राइडे को आना पड़ा मुझे, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हर थर्सडे को मैं एक बार लाइव ज़रूर जाऊँगा। फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हो NS का जो इनिशियल है वो बढ़िया है एंड मिड और टॉप बोल सकते हैं ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। तो आप लोग क्या कहना कमेंट करके बताइए, मुझे तो बढ़िया लगे और मज़ा भी आई, गूज़बम्प भी आए, ठीक है। R15 ऑब्वियस ही बात है थोड़ी सी ओवर प्राइस है बट इसमें जो चीज़ें दी हुई है ना बहुत ही बढ़िया दी हुई है, रिलायबल इंजन भी है, बहुत समय से चलता चला रहा है, बहुत रिफाइंड इंजन। तो इस वीडियो को अगर पसंद करते हो तो लाइक करिए एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट पहन के राइड करिए, मस्त सही सेफ्टी, बाय बाय।